घंटा लगेगा तो 7 घंटा। तो जैसे आप हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचेंगे, तो अभी मुंबई से आ रहे हो तो उतर के राइट साइड पे से बाहर निकलना है। थोड़ा ही स्टेशन से बाहर चल के आओगे कि आपको ये हजरत निजामुद्दीन का मेट्रो का गेट मिलेगा। यहाँ से आपको कश्मीरी गेट के लिए बस मिलेगी, जहाँ से ऋषिकेश के लिए बस छूटती है। तो हम वहीं जा रहे हैं, बस से जाने वाले हैं। मेट्रो पकड़ना बेटर है, क्योंकि यहाँ ऑटो वाले वो कश्मीरी गेट का 250-300 रुपया ले लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा ही दो कदम चलोगे तो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। ये रही मेट्रो स्टेशन। चलिए अभी देखते हैं कौन सी लाइन की अपने को मेट्रो काम आती है कश्मीरी गेट के लिए। वो था टिकट काउंटर, और यहाँ से चेकिंग करके हम अंदर आए। 40 रुपीज़ कश्मीरी गेट का चार्ज है एक जन का, तो 120 में पहुँच जाएंगे। वैसे वहाँ पे 250-300 रुपया रिक्शा का मांग रहे थे। ये रहा मेट्रो स्टेशन दिल्ली का। अब बस कौन से लाइन से हमको मेट्रो मिलेगी वो पता करना है, पूछ के बता दूँ भाई। हमारी भी मेट्रो कम नहीं है, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक सिस्टम, और ये मेट्रो निकली बू। अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है भाई, एक नंबर। हाँ, वायलेट लाइन के लिए यहाँ से मिलेगा। वो तो अपने इधर भी बोलता है, हार्बर सही है लेना। कश्मीरी गेट के लिए निजामुद्दीन से आपको मेट्रो पकड़नी है, लाजपत नगर पे वो मेट्रो चेंज होगी। लाजपत नगर से आपको वायलेट लाइन पकड़नी है, वायलेट लाइन पे एक नंबर से आपको कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो मिलेगी, और निजामुद्दीन से दो नंबर से आप पकड़ेंगे तो लाजपत नगर के लिए ये मिलेगी। अभी हम लाजपत नगर उतर के कश्मीरी गेट के लिए जा रहे हैं। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो ये सब बने हुए हैं। ये वायलेट कलर के पैर है, तो आपको वायलेट लाइन में जाना है। मतलब सुविधा बहुत सारी इधर बना रखी है ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। ये वायलेट लाइन के पैर, और ये आ गए हम वायलेट लाइन के लाजपत नगर। यहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी दो नंबर से, इस ओर जाएगी कश्मीर गेट। यहाँ से कश्मीर गेट के लिए आधा घंटा लगेगा। तो मैं प्रिफर करूँगा मेट्रो ही लेना, एसी है, कंफर्टेबल है। ऑटो वगैरह करोगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा और गर्मी बहुत भयंकर है यहाँ पर। फाइनली कश्मीर गेट उतरे, 8 नंबर गेट से बाहर जा रहे हैं, जहाँ से बसें मिलेगी हमें ऋषिकेश के लिए। तो वहीं जा रहे हैं अपना पप्पू। और यहाँ पे दिल्ली में तो इंद्रदेव खुश हो गए, बारिश चल रही है, और हमारे पास तो छाता रेनकोट कुछ है नहीं, पर अब होगा पंगा। ये रही बारिश। ये कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन, इससे बाहर निकले ये सामने महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। यहाँ से हमें ऋषिकेश हिमाचल के लिए बसें मिलेगी। अंदर उल्टी होना तो दिक्कत नहीं रहेगा। ये रहा दिल्ली का कश्मीरी गेट बस अड्डा, सुविधा एकदम प्रॉपर, एकदम बढ़िया से। ये रही अपनी बस सामने, ये बस से जाएंगे ऋषिकेश। 613 रुपया टिकट है, प्राइवेट है ये, पर्सनल नहीं है। पर्सनल ऐसी गाड़ियाँ जाती है वो हिला हिला के मार डालेगी वैसे। तो हम इससे जा रहे हैं, 613 रुपया टिकट है, 200 रुपया जा रहा है लेकिन चलेगा। तो जल्दी भी जाएगी, थोड़ा आराम रहेगा। और ये कश्मीर के दिल्ली महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा से हमारी ऋषिकेश के लिए बस निकल चुकी है। ये रही बस।
हर हर महादेव। दिल्ली की ट्रैफिक खत्म, अच्छे रास्ते शुरू, बढ़िया हाईवे, क्लीन, साफ, सुंदर, बिना गड्ढों का। मेरठ सिटी, और फिलहाल पहुँचे हम मुजफ्फरनगर यूपी में, और यहाँ से हरिद्वार 100 किलोमीटर है और ऋषिकेश उससे कुछ किलोमीटर और दूर है। एक बस ने हमारी ब्रेक ली है। ये होटल का बैकग्राउंड का नज़ारा, मस्त प्यारा सा गार्डन बना है, एकदम हरियाली। फ्रंट फेस आपको आगे बताता हूँ, ये देखिए एकदम जन्नत। और हम आ गए होटल के फ्रंट साइड पे, ये रही अपनी बस और ये रहा होटल और ये रहा हाईवे मुजफ्फरनगर, और लेफ्ट जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश की ओर, और राइट में दिल्ली से हम आ रहे हैं। एकदम बढ़िया जगह, ठंडी ठंडी हवा, वो जाते हैं अपने बस में, अब कुछ पल में निकलने ही वाली है। उत्तराखंड परिवहन निगम, स्वागत है आपका देवभूमि हरिद्वार में। फिलहाल हमें हरिद्वार के बस डेपो पे, तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और इसी के साथ पहुंच गए ऋषिकेश। ये रहा ऋषिकेश का बस अड्डा, और ये सीधा गंगा घाट की ओर। तो अभी फ़िलहाल हम ढूंढ रहे हैं एक होटल अच्छी सी सोने के लिए, या देखेंगे मूड बना तो आज रात में ही निकल जाएंगे चंदा मामा। ये रही अपनी होटल, ये होटल बुक करी है देवभूमि इन, 18/1 देहरादून रोड ऋषिकेश। रूम आपको अंदर से बाद में अंदर चल के बताएंगे। फिलहाल अभी जा रहे हैं ऋषिकेश घाट पे, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो सब घूमने। और ये हम पहुंच गए ऋषिकेश की मार्केट, और हम ढूंढ रहे हैं कैमरे का मेमोरी कार्ड जो हमारा करप्ट हो चुका है, हम उसके लिए घूम रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है उसको पूछना। और ये फिलहाल हम खड़े हैं राजस्थानी मिष्ठान भंडार, ऋषिकेश के सुप्रसिद्ध भोजनालय, चोटी वाले के बाद इन्हीं के पास इन्हीं का नंबर आता है। ये वेटिंग यहाँ आधे घंटे की सिर्फ खाना खाने के लिए। ये ऋषिकेश के फेमस राजस्थानी भोजनालय है, राजस्थानी मिष्ठान भंडार। यहाँ पे
छोटी वाले के बाद इन्हीं का नंबर है, सेकंड नंबर पे आप भीड़ देख सकते हो। और ये ऋषिकेश की मार्केट में इलेक्ट्रिक रिक्शा का मजा लेते हुए, इलेक्ट्रिक है, हम जा रहे हैं राम झूला जहाँ पे छोटी वाले मिलेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे। राजस्थानी में बहुत भीड़ था, इनका खाना भी बहुत बेहतरीन है, छोटी वाले भी बहुत फेमस है, तो जा रहे हैं छोटी वाले के पास। छोटी वाले बाबा। और ये हम पहुँच चुके हैं राम झूला, रात है लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है इसके लिए रात में ही आ गए। ये रहा लक्ष्मण झूला का काम चल रहा है, तो 2 साल वो बंद रहेगा, तो हम राम झूले से काम चला लेंगे। जिस छोटी वाले की बात कर रहा था, तो यहाँ पे 2 छोटी वाले, एक छोटी वाला ये रहा, ये झूले के इस तरफ है, और जो ओरिजिनल छोटी वाला है जूना, वो झूले के उस तरफ है। तो अगर जूने छोटी वाले का टेस्ट करना हो तो उस तरफ जाना है, तो हम अभी उस तरफ जा रहे हैं। और ये राम झूले की एंट्री, यही रास्ता जाएगा राम झूले की ओर, सामने राम झूला, उस पर 2 मिनट में जाएंगे। ये गंगा घाट, रात हो गई है तो आरती वगैरह तो बंद हो गई है, पब्लिक भी थोड़ी बहुत है। चलो चलो भाई, जाते हैं अभी खाना खाने। साइड हो। और ये पहुंच चुके हम राम झूले पे। लक्ष्मण झूला जैसे आपको बताया काम चल रहा है तो बंद है, तो हम राम झूले पे आ गए। बाइक उसको अलाउड है यहाँ पे, ये देखिए मेरा केबल ब्रिज ऊपर तक, वो एकदम ठंडी ठंडी हवा, ये नीचे गंगा मैया, अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलो चलो भाई, बंदों को भूख लगी, अभी चिल्ला रहे। और ये असली चोटी वाले बाबा के पास हम पहुंच गए, ये बैठे हैं असली चोटी वाले, कोई नहीं, यही असली वाली है, वो साइड में वो बाद में खुली है, ये रही। अरे तो उनको रही चोटी वाले। रात के बज रहे 12:15, खा पी के अब हम चले अपने होटल की ओर, खाना खाए तो बड़ा थोड़ा चल चल के जाते हैं, तो जा रहे अपने होटल ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ पे, थोड़ी मार्केट में जाएंगे तो ढूंढ लेंगे। फाइनली पहुंच गए रूम में, और रूम मिल गया हमें, ढूंढ लिया हमने हमारा रूम, बहुत थक गए अभी, अभी जाके सीधा सो जाएंगे। ये रहा, ये रहा हमारा रूम, एसी चल रही है, बेड है, 3 जन के लिए बस है, 1500 रुपये में रूम मिला है, गीजर वगैरह सब लगा है, एकदम मस्त। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल सुबह में, कल सुबह में निकलेंगे केदारनाथ के लिए। सायोनारा, टाटा।